माय डियर कैंडिडेट, आज जॉब हंट ड्राइव जो ट्रेनिंग सेशन होता है संडे को, आज वो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, सभी लोग ट्रेनिंग सेशन ले भी रहे हैं। साथ ही साथ में मेरे साथ में दीपक राजपूत हैं, इनकी आज ज्वाइनिंग कर चुके हैं, इवन रेड टेप में ज्वाइनिंग आई है। मुझे खुशी इस बात की है कि इनका वहाँ पे सब चीज़ें फाइनलाइज हुई और ये दोबारा से इन्होंने ज्वाइनिंग ली। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, दीपक फिर से थोड़ा बहुत बताएंगे, कम बोलने वाले लोगों में से हैं और बोलने में डरते भी हैं, थोड़ा सा कैमरा में वो भी फोबिया रहता है कुछ लोगों को, तो कह रहे थे सर आप हमारी जगह सब कुछ बोल दीजिएगा, बड़ी कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। ये मुझे अच्छी तरह से याद है, जब ये शुरुआत में आए थे तो ये एक मूवी थी परवेश रावल की, जिसमें क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर यहाँ बना हुआ था, मुझे याद है। तो ये भी क्वेश्चन मार्क वाले परवेश रावल हैं, हर बात पूछे, हर बात में हमारे डाउट करेंगे, पता नहीं संस्था देगी कि और सब ये ऐसे ही चली जाएगी, ऐसे लेकर के इनकी भावना जो मन के अंदर होती है, फीलिंग्स होती है, वो आ जाती है। जब पहली ज्वाइनिंग हो गई इनकी, तब इनको थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि नहीं झाम नहीं है यहाँ पर। दूसरी ज्वाइनिंग में जब एक अच्छी कंपनी ब्रांड नेम की मिल गई तो इनका थोड़ा सा सीना चौड़ा हुआ है, लेकिन ये दुविधा वाले व्यक्ति हैं। मैं ये खासतौर से उन सभी प्रवेश रावल के लिए कहना चाहता हूँ जिनके अंदर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे होते हैं। जो प्रश्न चिन्ह होगा वो प्रसन्न चित्त नहीं होगा, जो उसके अंदर खुशी नहीं आएगी। प्रश्न आ रहे हैं बार बार, डाउट आ रहा है, तो कोई भी चीज़ आगे कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने डाउट को किनारे किया, विश्वास किया और आगे बढ़े, और इसके बाद में उनकी ज्वाइनिंग आई है और इनको ट्रेनिंग वगैरह भी मिले। ये जब ट्रेनिंग में आए थे पहले दिन, एक इंटरव्यू बीच में कराया, तो ये जो कर नहीं पाते थे इसमें चिचड़ा जाते थे, तो उन्होंने कहा उनसे बोला कि तुम आर्गूमेंट मत करो, बड़े ये सब सुना सीखा। इन्होंने ये माना कि सर हमें सिखा रहे हैं, बुरा नहीं माना, अभी कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है, सर सिखा रहे हैं, सर बता रहे हैं, एटलीस्ट इतना भी अगर आप कर रहे हैं ना तो भी आप। और ये ऐसा नहीं कि इनका परफेक्ट हो गया MIS, इसके बाद इनकी ज्वाइनिंग आई है, ग्रोथ भी हुई है, कंपनी में सही भी गए। मैं चाहता हूँ दीपक कुछ बातें तुम अपनी ओर से बताओ कि तुम्हें यहाँ में क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या इस रहा, तुम्हें दूसरी ज्वाइनिंग हुई, कुछ ये शेयर करो जिससे नए लोगों को मोटिवेशन मिले। हाँ सर, मतलब यहाँ पे जो है पहले ट्रेन किया जाता है, मतलब कंपनी को बताओ कंपनी को क्या चाहिए, ठीक है, बट दूसरी कंसल्टेंसी को ऐसा होता है कि लड़कों को सिर्फ खड़ा कर देते हैं, बट यहाँ यही है डिफरेंस, यही है कि मतलब यहाँ सिखा के बेचते हैं उतना जितना कंपनी को चाहिए कि ये कंपनी की रिक्वायरमेंट ये है तो बंदा ये कर ले। अब तुम्हें खुशी हो रही है? खुशी तो हो रही है। अच्छा, पहले किस्मत सबसे पहले जब यहाँ आए तो उसके पहले कहीं थे किसी कंपनी में, HDFC वगैरह में ना? नहीं, उससे पहले मैं श्रीराम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में था। हाँ, उसके बाद सर ने हमारी HERG में कराया, HERG इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके बाद तुम्हारी इसमें ज्वाइनिंग आई, रेड टेप में ज्वाइनिंग। बहुत अच्छी बात, मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम उनको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल गया, और बेस्ट करने के बाद नहीं, प्रयास करते करते अपने आप को बदला भी इन्होंने, ऐसा नहीं बदला नहीं है, जब आए तो मूड ही अलग थे, धीमे धीमे इन्होंने समझा कि हाँ सर जो है डांट रहे हैं, रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो गलत नहीं टोक रहे हैं, और ये यहाँ जब आते थे तो इनको सब झाम नहीं दिखाई दिया, तो पहले दिन तो आदमी ये समझ रहे थे अरे यार बहुत कुछ ऐसे ही होता है, लोग जनरल आजकल बात बहुत करते हैं ना, आज सब तो ऐसे ही चल रहा, सब बेकार चल रहा, सब ऐसे ही है, ऐसे लोग सोचते जाते हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कतें आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की अपनी सोच में अगर बदलाव आएगा तो चीज़ें चल करके अपने साथ आएंगी। और एक बात और आपको समझनी पड़ेगी, आजकल लोग कोर्सेज के पीछे बहुत पड़े होते हैं, कोर्सेज में पैसा लगा देंगे उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, वहाँ बर्बाद कर रहे होते हैं, और यहाँ पे कंपनी की जो जरूरत है, जैसी रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस में एक एक्सपीरियंस बनते से जो 5 घंटे में सीख करके अगला इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, वो उनकी खोपड़ी में चढ़ता नहीं है, क्योंकि वो आदतों में नहीं है, सोसाइटी में नहीं है, और वही ये बदलाव लेके आता है, और इसलिए ये पैकेजेस आ रहे हैं। बदलिए, सोचिए, लोगों में शेयर करिए, छोटी सी बात है, छोटा कैप्सूल है ये रोजगार कैप्सूल, इसमें अगर आप छोटा सा कैप्सूल खा लीजिए, कौन सा कैप्सूल, JD जैसा है वैसे रिक्वायरमेंट, और काम करिए और आगे बढ़ जाइए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ड्राइव, MySureJob.com, इनके भविष्य की शुभकामनाएं, अपने को भी बदलिए। थैंक यू।